सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को बाइट करके ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिनके बीच कुछ गर्ल्स साथ में सरवाइव करती हैं। इसलिए चलिए बिना देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कुरुमी, जो कि इसी स्कूल की एक थर्ड ईयर स्टूडेंट है, जिसका एक बॉय पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रश होता है जिसका नाम है कात्सुरागी। इसलिए वो जब भी उसे देखती है तो गलती से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद फिर वो अपने लेग पर बैंडेज कराने के लिए स्कूल क्लिनिक आती है, जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है मिस मेगुमी, जो कि इनके स्कूल की टीचर है और पार्ट टाइम नर्स भी। वेल, वो कुरुमी से उसके क्रश के बारे में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी फिर हम इस मूवी की एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है यूकी, जो कि अक्सर मिस मेगुमी से मिलने आती जाती रहती है, क्योंकि मिस मेगुमी अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और सभी को अच्छी एडवाइस देती है इसलिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब कुरुमी वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी उसका क्रश यानी कात्सुरागी उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या अब तुम्हारा लेग ठीक है, जिसे अपने सामने देख कुरुमी बहुत बुरी तरह शॉक होकर नीचे गिर जाती है। वेल, अब ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि जब इन दोनों ने एक दूसरे से बात की हो। इसलिए फिर नेक्स्ट डे कुरुमी खुशी खुशी ये सारी बात मिस यूमी को भी आकर बताने लगती है कि कात्सुरागी फाइनली उसका दोस्त बन ही गया। तो ये सुन वो भी कुरुमी के लिए काफी खुश होती है, एंड पिछली बार की तरह इस बार भी यूकी ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली होती हैं और फिर वो इन दोनों के साथ बैठकर कुरुमी से बातें करने लग जाती है। कि तभी फिर हम इस मूवी की एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है एरा, जो कि मिस मेगुमी को स्कूल के रूफटॉप पे आकर वेजिटेबल्स चेक करने के लिए बोलती है, क्योंकि मिस मेगुमी द हॉर्टिकल्चर क्लब की एडवाइजर है इसलिए। देन वो कुरुमी और यूकी को भी उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो दोनों मान जाती हैं। फिर जब कुरुमी वापस घर जाने के लिए स्कूल से बाहर आती है कि तभी सामने से कात्सुरागी भागता हुआ कुरुमी के पास आने लगता है, जिसे देख कुरुमी बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसको हाई करती है, एंड बस ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ये तीनों गर्ल्स यानी एरा, कुरुमी एंड यूकी साथ में ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं और फिर उसको मिस मेगुमी के साथ खाने लगती हैं और फिर रूफटॉप पर आकर फ्रेश वेजिटेबल्स निकालती हैं, जहां यूकी इन सभी के साथ थोड़ा बहुत खेलती भी है और फिर यूकी खुशी खुशी रूफटॉप से नीचे आकर वो सभी फ्रेश वेजिटेबल्स अपनी क्लासमेट्स को दिखाने लगती है कि देखो ये कितनी फ्रेश है ना, जिसे ऐसा करते हुए कुरुमी और एरा ये दोनों उदासी से देख रही थी और फिर वो यूकी को वापस उनके साथ चलने के लिए बोलती हैं। जहां फिर जब जैसी यूकी उनकी साइड देखती है तो वहां रूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं था, बल्कि चारों तरफ बस खून ही खून लगा हुआ होता है। इसका मतलब कि यूकी का उन सभी स्टूडेंट से बात करना उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। और फिर हम स्कूल के बाहर देखते हैं जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे, मतलब कि अब इस पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन चुके हैं। पर ऐसा हुआ कैसे, मतलब कि ये पूरा स्कूल ज़ॉम्बी कैसे बना, ये हमें आगे बताया जाएगा। वेल, अब हम देखते हैं कि एक रूम जिसके डोर पर लिखा हुआ होता है कि स्कूल लीविंग क्लब, जिसके अंदर कुरुमी और एरा स्कूल मैप को देखते हुए कैफेटेरिया जाने का डिसाइड कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए और ज्यादा फूड नहीं। जहां जाने से पहले जब वो यूकी को देखती है तो वो आराम से क्लास में बैठकर बाकी स्टूडेंट्स के साथ हंस रही होती है, जबकि क्लास में कोई भी नहीं था। वेल, कुरुमी और एरा धीरे धीरे से आगे बढ़ती हुई एक डोर ओपन करती हैं जिसके बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, और अब कि ये सभी ज़ॉम्बी साउंड सुन के रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों बॉल फेंक कर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और फिर उनका ध्यान दूसरी तरफ होते ही चुपके से वहाँ से निकल जाती है। पर जब ये दोनों आगे बढ़ती हैं तो इन्हें वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखता है जो कि इन दोनों के बहुत ही क्लोज था, पर ये दोनों उससे बच जाती हैं। पर जब जैसे ऊपर देखती है तो वहाँ एक और ज़ॉम्बी होता है जो कि कुरुमी पर अटैक कर देता है, जिसकी आवाज सुन वो पहले वाला ज़ॉम्बी भी वापस पीछे आकर एरा पर अटैक कर देता है, तो ये देख वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। देन कुरुमी दूसरे वाले ज़ॉम्बी को मारकर एरा के पास आकर उसे पहले वाले ज़ॉम्बी से बचाती है और फिर ये दोनों छुपके छुपके जाते हुए फाइनली कैफेटेरिया पहुंच ही जाती हैं,
जहाँ ये दोनों खाने का सामान अपने बैग में रखी रही थी कि तभी क्रूमी के ऊपर एक लड़की अटैक करती है जो कि ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान थी। तो फिर एरा और क्रूमी इस लड़की को भी अपने साथ ले आती हैं। पर क्रूमी पहले उस लड़की की बॉडी चेक करती है कि कहीं इस लड़की को किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं, बट वो बिल्कुल ठीक होती है। वेल, इस लड़की का नाम है मिनी, जो कि पता नहीं कब से ज़ॉम्बी से छुप कर कैफेटेरिया में रह रही थी। जिसके बाद फिर ये सभी डिनर करते हैं, जहाँ क्रूमी, एरा और यूकी इस न्यू लड़की यानी मिनी से बात करने की काफ़ी कोशिश करती भी है, पर वो अभी इन सभी को सही से जानती नहीं है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस काफ़ी हैरान हो रही होती है कि ये सभी ऐसे माहौल में हैप्पी कैसे हैं। और फिर मॉर्निंग होने पर यूकी मिनी को अपने साथ रूफटॉप दिखाती है और बोलती है कि ये सब कितना ब्यूटीफुल है ना। तो ये सुन मिनी हैरान होती है क्योंकि वहाँ कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं था, बल्कि हर जगह बस ज़ॉम्बीज ही दिख रहे थे। और फिर कुछ देर बाद यूकी मिनी के सामने किसी से बातें करने लगती है जबकि सामने कोई भी नहीं था, जिसका ये सब बिहेवियर मिनी को काफी अजीब लगता है। इसलिए वो इस सब के बारे में एरा और क्रूमी से पूछती है कि क्या यूकी नॉर्मल नहीं। तो फिर इस बात पर वो दोनों मिनी को सारी बात बताने लगती है। और फिर यहाँ से स्टोरी को हम उसी सीन से देखते हैं जब क्रूमी का क्रश यानी कात्सुरागी भागता हुआ क्रूमी के पास आ रहा था, जो कि उसको भी वहां से भागने के लिए बोल रहा था क्योंकि उनके पूरे स्कूल पर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था, जिस सबको देख क्रूमी कुछ भी समझ नहीं पाती। ये तभी ऊपर से एक लड़की नीचे आके गिरती है जो कि क्रूमी के सामने ही ज़ॉम्बी बन जाती है। तो ये देख क्रूमी बहुत बुरी तरह डरती है और फिर कात्सुरागी के साथ वहां से भागने लगती है। और वहीं ऊपर मिस मेगुमी और एरा ये दोनों भी स्कूल की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान होती हैं। जिसके बाद जब कात्सुरागी क्रूमी को अपने साथ किसी सेफ जगह लेकर जा ही रहा था कि तभी एक लड़की जो कि क्रूमी की दोस्त थी वो ज़ॉम्बी बनने के बाद जैसी क्रूमी को बाइट करने ही वाली होती है, बट कात्सुरागी बीच में आकर क्रूमी को बचा लेता है। पर इस चक्कर में वो लड़की कात्सुरागी के हाथ पर बाइट कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों जैसे तैसे करके रूफ टॉप तक पहुंचते हैं, जहां अब कात्सुरागी बहुत बुरी कंडीशन में था। इसलिए वो बार बार क्रूमी को उससे दूर होने के लिए बोलता है, बट क्रूमी कात्सुरागी को छोड़ के कहीं नहीं जाती। और वहीं यूकी ये सब देखने के बाद बहुत बुरी तरह डरी हुई थी कि तभी फिर ये सभी जल्दी से रूफटॉप का गेट भी बंद कर देते हैं एंड जो जो ज़ॉम्बीज बन चुके थे उन्हें मार देते हैं। जिन सब चीज़ों को देख कर यूकी के माइंड पर बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए वो तभी डिप्रेशन में चली गई थी। और वहीं कात्सुरागी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, इसलिए वो जब जैसे क्रूमी के ऊपर अटैक करने ही वाला था तो फिर क्रूमी को ना चाहते हुए भी उसे मारकर अपनी जान बचानी पड़ती है और बस सिर्फ तभी से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। बट ये सब बातें सुनने के बाद भी मिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वहां से चली जाती है। और फिर रात भर काफी कुछ सोचने के बाद सुबह होते ही स्कूल से जाने का डिसाइड करती है। और फिर मॉर्निंग होते ही वो स्कूल के सभी स्पीकर्स में सॉन्ग प्ले कर देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उस तरफ हो जाता है और फिर वो मौका देखते ही वहां से जाने लगती है। पर तभी यूकी मिनी के पीछे पीछे आकर उसे रोकती है, पर वो रुकती नहीं। और वहीं जब एरा और क्रूमी को स्पीकर्स ऑन होने का पता चलता है तो वो जल्दी से भागकर स्पीकर्स को बंद कर देती हैं, बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि यूकी और मिनी बाहर हैं, जहां मिनी टीचर की कार कीज लेकर उनकी कार ढूंढ ही रही थी। पर तभी स्पीकर ऑफ हो जाने की वजह से सभी ज़ॉम्बीज यूकी और मिनी को घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए इन दोनों को कार के ऊपर चढ़ना पड़ता है। और फिर यहाँ ये दोनों बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। तो फिर क्रूमी जल्दी से बाहर आकर इन दोनों को बचाने की कोशिश करती है ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके, पर इससे भी कोई काम नहीं बनता। तो फिर एरा जल्दी से वापस म्यूजिक रूम आकर स्पीकर्स में स्पोर्ट्स सॉन्ग प्ले कर देती है, जिसे सुन एक तो ज़ॉम्बीज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड यूकी इस चीज को गेम समझकर मिनी का हाथ पकड़ के वहां से खुशी खुशी भागने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो मिनी के साथ रेस में है एंड सभी लोग उन्हें आगे बढ़ने के लिए चेयरअप कर रहे हैं। और बस फिर ऐसे ही भागते भागते ये तीनों सेफली वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाती हैं। तो अब क्योंकि यूकी ने मिनी की जान बचाई थी, इसलिए अब वो भी इन सभी से फ्रेंडशिप करके इनका स्कूल लिविंग क्लब ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्रूमी और मिनी टीम अप करके वेयरहाउस के रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें रास्ते से हटाती हैं, ताकि वो स्कूल के वेयरहाउस में जा सकें इस उम्मीद से कि क्या पता इन्हें वहाँ कुछ खाने के लिए फूड मिल जाए। पर जब जैसे ये सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद स्कूल के वेयरहाउस में आती है तो वहाँ आकर ये सभी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फूड था जिसको ये सभी मिलकर आराम से बहुत टाइम तक खा सकती हैं।
जिसे देख ये सभी काफी खुशी खुशी उन सभी बॉक्स को अपने साथ लेकर जा ही रही थी कि तभी वहां से एक जॉम्बी बाहर निकल के आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कात्सुरागी था, यानी क्रोमी का क्रश, जो कि क्रोमी को बचाने के चक्कर में खुद जॉम्बी बन गया था। जिसे देख क्रोमी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और बिल्कुल भी उसे मार नहीं पाती। इसलिए फिर जब जैसी वो जॉम्बी क्रोमी को पकड़ने के बाद उसे बाइट करने ही वाला था कि तभी फिर पीछे से एरा जॉम्बी को मार कर उसे बचा लेती है और क्रोमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर क्रोमी बोलती है कि हाँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब इन सभी के पास खाने के लिए बहुत सारा फूड है जिसे ये सभी अपनी किचन में सेट कर देती हैं। देन साथ में एक दूसरे के साथ कुछ फोटोज भी लेती हैं और फिर रात होने पर एक दूसरे के साथ पिलो से खेलती भी हैं। मतलब कि अब ये सभी साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और फिर अपने प्लेस को और भी ज़्यादा सिक्योर करने लगती हैं ताकि जॉम्बीज उन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकें। और साथ ही ये सभी अपने प्लांट्स का भी पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। और बस फिर इन सभी को ऐसे ही रहते रहते काफ़ी टाइम बीत जाता है एंड ऑटम सीजन आ जाता है। इसलिए यूकी इन सभी से स्कूल फेस्टिवल की प्रिपरेशन करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि हमें स्कूल के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो फिर ये सभी साथ में स्कूल फेस्टिवल की तैयारी करने लगती हैं। एंड देन सभी तैयारी होने के बाद यूकी मिस मिगुमी को अपने साथ लाकर उन्हें सरप्राइज देती है, तो ये देख वो भी काफी ज्यादा खुश होती हैं और फिर ये सभी साथ में एंजॉय करने लगते हैं। बट तभी नीचे एक ज़ॉम्बी जिसके हाथ लाइटर लग चुका था वो उसे जलाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से स्कूल में थोड़ी बहुत देर के बाद फायर अलार्म बज जाता है। तो ये सुन वो सभी काफी कंफ्यूज होती हैं कि फायर अलार्म ऑन हुआ कैसे। वेल अब क्योंकि इस फायर अलार्म की वजह से बहुत शोर हो रहा था इसलिए सभी ज़ॉम्बीज उसको सुनते सुनते स्कूल की तरफ आने लगते हैं एंड क्रोमी बाकी सबके साथ अलार्म को बंद करने के लिए नीचे आती है। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाती कि तभी वही ज़ॉम्बी बाउंड्रीज तोड़ के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से फायर अलार्म बज रहा था। और बस फिर देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं, इसलिए क्रोमी उन सभी से जल्दी वहां से जाने के लिए बोलती है। इसलिए जब मिनी और एरा जल्दी से भागती हुई वापस ऊपर आने लगती हैं, बट तब तक वहाँ भी हर जगह जॉम्बीज ही जॉम्बीज हो चुके थे क्योंकि वो सभी अलार्म सुनकर क्लासरूम से बाहर आ चुके थे। तो फिर इसलिए मिनी और एरा को वहाँ से भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी भागना पड़ता है एंड सभी जॉम्बीज इनके पीछे आते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने क्लब रूम में आकर वहाँ का डोर बंद कर लेती हैं। पर ये सब देख कर एरा बहुत बुरी तरह डर चुकी थी इसलिए वो अपनी हिम्मत हार कर रोने लगती है। एंड वहीं यूकी जो कि मिस मिगुमी के साथ भागी थी वो एक जगह आकर खो जाती है और बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि अब करे तो करे क्या। एंड वहीं क्रोमी जो कि अकेले सभी ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही थी वो रूफटॉप पर आकर छुपने की कोशिश करने लगती है, बट सभी ज़ॉम्बीज के वहां भी आ जाने की वजह से वो किसी ऊंची जगह पे चढ़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है कि अब वो इन सभी ज़ॉम्बीज से खुद को और अपने दोस्तों को कैसे बचाए। कि तभी हम देखते हैं कि हर जगह आग लग जाने की वजह से सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे से टकराकर जलने लगते हैं और फिर वो सभी क्लब रूम का गेट तोड़कर अंदर घुस आते हैं जहां एरा और मिनी थी, जिस वजह से वो दोनों बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। एंड वहीं यूकी जो कि अकेले थी कि तभी उसके पास भी एक जलता हुआ ज़ॉम्बी आता है, तो ये देख वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और वहीं क्रोमी जो कि सभी ज़ॉम्बीज से बचकर किसी ऊंची जगह चढ़ी हुई थी कि तभी वो हर जगह ज़ॉम्बीज को देख हिम्मत हार जाती है और बैठकर बोलती है कि लगता है कि अब हमारा बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, इसलिए अब हमें गिव अप कर लेना चाहिए। और फिर बहुत ही ज्यादा उदास होने लगती है कि तभी उसको उसका क्रश यानी कात्सुरागी दिखता है जो कि क्रोमी से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, जिस पर वो बताती है कि इसलिए क्योंकि हमने सभी ज़ॉम्बीज से फाइट करने की बहुत कोशिश की पर हम जीत नहीं पाए। तो ये सुन वो उसको हिम्मत देते हुए समझाता है कि उसे बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत है और बताता है कि वो स्टार्टिंग से क्रोमी को पसंद ही इसी वजह से करता था क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती थी। तो ये सुन फिर क्रोमी में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ जाती है एंड वो उस जगह से जंप मारने के लिए रेडी होकर बोलती है कि थैंक्स कात्सुरागी, तुमने सही कहा, मुझे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिर बहुत ज़ोर से हाई जंप मारकर वापस उन सभी ज़ॉम्बी से फाइट करने लग जाती है, जिसके बाद फिर जब वो अपनी फ्रेंड्स को ढूंढते हुए क्लब रूम आती है तो वहाँ सभी ज़ॉम्बीज जल चुके थे एंड वहाँ एक लड़की की जली हुई बॉडी देख क्रोमी को लगता है कि वो मिनी है जो कि अब जिंदा नहीं रही, इसलिए वो यहाँ काफी रोती भी है कि तभी उसे एरा और मिनी की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब वो दोनों जिंदा थी एंड दो ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रही थी,
जिनको फिर क्रोमी बचाती है। बट तभी इसी बीच एक जोम्बी क्रोमी के हाथ पर बाइट कर लेता है, जिसे देख अब सबको ये लगने लगता है कि अब शायद क्रोमी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रोमी के हाथ में जो कात्सुरागी के बैंड्स थे उसकी वजह से जोम्बी के टीथ क्रूमी के हाथ पर नहीं लग पाए थे। और फिर ये तीनों एक दूसरे को हग करके खुश होने लगती हैं कि तभी इन्हें याद आता है कि यूकी तो इनके साथ है ही नहीं। इसलिए फिर ये तीनों यूकी को ढूंढने जाती हैं। एंड वही यूकी जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, वो अपने पास एक जले हुए जोम्बी को देख बहुत बुरी तरह डर जाती है एंड मिस मिगुमी को आवाज देने लगती है कि मिस मिगुमी आप कहाँ हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। कि तभी उसको मिस मिगुमी दिखती है जो कि मेडिकल रूम के अंदर जा रही थी, जिनके पीछे पीछे यूकी भी वहाँ आ जाती है। और फिर उसे वहाँ एक टेडी का एयर पड़ा हुआ दिखता है, जिसको देख यूकी को वही दिन याद आने लगता है कि जब उनके स्कूल पर जोम्बी अटैक हुआ था, जिनके बीच सर्वाइव करने के लिए वो मिस मिगुमी, एरा एंड क्रूमी ये सभी साथ में जरूरत की चीजें लेने आई थी। जहाँ जब वो एक टेडी पड़ा देख उसे उठा ही रही थी कि तभी वहाँ से एक जोम्बी बाहर निकल के आता है, जिसको मिस मिगुमी मारकर यूकी को बचाती है। पर तभी पीछे से एक और दूसरा जोम्बी वहाँ आकर मिस मिगुमी को बाइट कर लेता है, जिस वजह से मिस मिगुमी उन तीनों से उन्हें वहीं छोड़कर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस चीज के लिए वो तीनों बिल्कुल भी नहीं मानती। तो मिस मिगुमी उनसे कहती है कि अब तुम तीनों को मेरे बगैर ही सरवाइव करना होगा। और फिर वो तभी रोते हुए मेडिकल रूम का डोर बंद करके खुद को अंदर लॉक कर लेती है, जिस वजह से उस टाइम ये तीनों बहुत ही ज्यादा रोई थी। तो ये सब याद करने के बाद यूकी की नजर मिस मिगुमी पर पड़ती है, जो कि जोम्बी बनी हुई थी। इसका मतलब मिस मिगुमी भी कात्सुरागी की तरह स्टार्टिंग में ही जोम्बी बन गई थी, बट मेंटल कंडीशन होने की वजह से यूकी को ऐसा लगता था कि जैसे वो अब भी जिंदा है और उन्हीं के साथ रह रही हैं। कि तभी यूकी को ढूंढते ढूंढते क्रूमी, एरा एंड मिकी ये तीनों भी मेडिकल रूम पहुंच जाती हैं, जहां जब वो देखती हैं कि यूकी मिस मिगुमी के बहुत पास खड़ी हुई है, इसलिए वो उसे मिस मिगुमी से दूर होने के लिए बोलती हैं। बट यूकी पीछे मुड़कर कहती है कि सब ठीक है, क्योंकि मिस मिगुमी ने जोम्बी में डेवलप होने से पहले खुद को रस्सी से बांध लिया था, क्योंकि वो कभी किसी को भी बाइट करके जान से मारना नहीं चाहती थी। तो ये देख वो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड क्रूमी उन्हें आराम करने के लिए बोलकर मार देती है, ताकि फिर वो फ्यूचर में उनके ऊपर अटैक ना कर सके। पर ये करके क्रूमी को बहुत ही बुरा फील होता है। एंड देन अब हम देखते हैं कि फायर अलार्म को सुनकर जो जो जोम्बीज स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आए थे वो सभी जल के मर चुके हैं, जिस वजह से अब बिल्डिंग बिल्कुल खाली हो जाती है। पर साथ ही आग लग जाने की वजह से इनका सभी फूड भी जल के खराब हो चुका होता है। इसलिए अब ये चारों स्कूल छोड़ के जाने का डिसाइड करती हैं। बट जाने से पहले ये चारों अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी करती हैं, जहां एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने के बाद ये सभी फेयरवेल सॉन्ग सिंग करने लगती हैं, जिसे सिंग करते करते इन्हें वो सभी मोमेंट्स याद आते हैं जब इन सभी ने साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जिस वजह से यहाँ ये चारों काफी रोती भी हैं। बट फिर एक दूसरे को ग्रेजुएट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलती हैं। देन अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये चारों गर्ल्स अपना अपना सामान कार में रखकर वहां से जाने लगती हैं। पर जाने से पहले क्रूमी पीछे मुड़कर अपने क्रश यानी कात्सुरागी और मिस मिगुमी को याद करते हुए उन्हें दिल से गुड बाय बोलती है, और बस फिर कार ड्राइव करके ये चारों स्कूल छोड़ के चली जाती है, जहाँ ये देखती है कि अब पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसका मतलब अब आगे भी इन चारों को साथ में सरवाइव करना होगा। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। To the ground.